वहीं नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहाँ की नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, बूंदी राप्ती और क्यूनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में मंगलवार को तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। उधर बिहार में भी बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार यानी कि 17 जुलाई को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड यानी कि 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। वहीं 10 राज्यों यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रेजेंटली जो मानसून कंडीशंस है वो मानसून कोर जोन जो है सेंट्रल इंडिया या साउथ पेनिनसुलर इंडिया में काफ़ी एक्टिव फेस में, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा साउथ इंडिया जॉइनिंग जो सेंट्रल इंडिया है वो क्लाउड से भरा हुआ है। और उसका रीज़न यही है कि जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेस में है, अपनी नॉर्मल पोजिशन से साउथ में है। उसके साथ ही एक श्योर जोन पैटर्न भी बना हुआ है, जब मानसून कंडीशन एक्टिव होती हैं तो जनरली वो डेवलप होता है। तो उसके प्रभाव से क्या है कि अगर आप वेस्ट कोस्ट की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला, कोस्टल कर्नाटका, इवन साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण गोवा, गुजरात, तो वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी या इवन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का प्रोबेबिलिटी बना हुआ है। मीन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट में आप 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल आने वाले 4-5 दिनों में रहेगा। और अगर और आजकल की स्पेसिफिकली बात करें, आज का हमारा स्पेसिफिकली सौराष्ट्र रीजन है जहाँ पे ये क्लाउड्स आप देख रहे हैं, वहाँ के लिए सॉरी उसके नीचे जस्ट वहाँ के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। इसके अलावा अगर आप क्या नाम है कोंकण गोवा की बात करते हैं, वहाँ के लिए आज के लिए ऑरेंज है, कल के लिए रेड अलर्ट है। सिमिलरली कोस्टल कर्नाटका के लिए भी कल के लिए हमारा रेड अलर्ट है, और साउथ इंटीरियर कर्नाटका की बात करें आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट है। इसके अलावा अगर आप प्लेन्स की बात करें, जहाँ पंजाब हरियाणा में कुछ ज़्यादा रेनफॉल का नहीं है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल पंजाब हरियाणा हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या ईस्ट इंडिया में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है, लेकिन फिर भी उड़ीसा वगैरह में हैवी वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली के लिए हम जनरली जो मानसून टफ है जो साउथ में है, तो आज हम ज़्यादा वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर हुआ भी हल्का फुल्का लाइट रेन होने का अनुमान है, लेकिन कल जैसे टफ का पोजीशन थोड़ा चेंज होगा, कल हो सकता है कि कहीं ना कहीं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो जाए, उसके बाद फिर लाइट रेनफॉल रहने का ही अनुमान है।